अब संपूर्ण लॉकडाउन में आज रात 12 बजे से इस देश में 3 हफ्तों के लिए यानी 14 अप्रैल तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन पूरा देश बंद रहेगा। सबसे ये रिक्वेस्ट की है और कहा है कि इस कानून को माने, इस आदेश को माने कि अगले 3 हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलना है। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है जिस वजह से कोरोना जैसे वायरस को हराया जा सकता है। तमाम देशवासियों से उन्होंने अपील की, जिस तरीके से जनता कर्फ्यू को बीते इतवार को उन्होंने सफल बनाया, उसी अंदाज में अब अगले 3 हफ्तों तक। कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। केसेस जो हैं कोरोना के वो महाराष्ट्र में हैं 537, उसके बाद केरल 186, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 227 का है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 144 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 411 कोरोना संक्रमित, आंध्र प्रदेश में 161 है कोरोना। चल रहा पिछले 21 दिनों से लॉकडाउन अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब आप सब अपने अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। अब देश पूरी तरीके से सुरक्षित है।